दोस्तों इस वीडियो में आज हम सीखेंगे मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए वीडियो वायरल करने में सबसे ज़्यादा मदद मिलता है थंबनेल। अगर देखिए अगर हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर जब सर्च करते हैं जिस वीडियो का थंबनेल अच्छा रहता है हम उसी पर क्लिक करते हैं, इसलिए फ्रेंड्स हमें वीडियो से ज़्यादा अपने थंबनेल पर फोकस करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपका थंबनेल अच्छा रहेगा तभी आपका वीडियो वायरल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों पिक्सल लाइव ऐप आपको प्ले स्टोर पर अदम आसानी से मिल जाएगा। चलिए इसे ओपन करते हैं। चलिए इस पर रोटेट कर देते हैं। इसका देखें हमें पहले इसे डिलीट कर देना है। इसके बाद देखने से यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा थिएटर का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इमेज साइज का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कस्टम का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब थंबनेल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स हमारा यूट्यूब थंबनेल का साइज हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है। देखें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कलर का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ग्रेडियंट कलर और कलर, देखिए आपको फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट पर क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्लस का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसा आप कलर बनाना चाहते हैं वैसा कलर बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कलर बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए जैसा भी आपको बैकग्राउंड बनाना हो आप वैसा ऐसा बना सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए इस तरह से आप बैकग्राउंड बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, आप ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए फ्रेंड इसे रखते हैं। देखिए इस तरह से आप बना सकते हो बैकग्राउंड, लेकिन फ्रेंड्स हम बैकग्राउंड पहले से बना के रखे हुए हैं। चलिए अपना लेते हैं बैकग्राउंड। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सही का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेव का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इसे थोड़ा खींच के बढ़ाना है इसे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सही पे टिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ से इसे ऐसे पतला भी कर सकते हैं, इसे खींच के बढ़ा सकते हैं। आपको फ्रेंड पूरा इसे खींच के बढ़ा देना है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इस साइड में इसका करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रोटेट का। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रोटेट का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसे -3 कर देना है। देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसे -3 कर देना है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे इसे रख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से इसे सही पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से इसे लॉक कर देंगे ताकि हिल उड़े ना। अपने देखिए यहाँ लॉक हो। अपने देखिए अगर आपको कुछ लिखना है तो लिखने के लिए आपको ए पे क्लिक करना होगा। अपने से यहाँ पे ऑप्शन जाएगा टेस्ट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और देखिए आपको जो लिखना है इस पर डबल टैप करना है। देखिए फ्रेंड्स लिख दिए। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब इसका कलर हमें चेंज कर देना है, क्योंकि देखिए व्हाइट पे है छिप जा रहा है पता नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इसे इसका करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कलर का, आपको इसका कलर चेंज कर देना है। अगर फ्रेंड देखिए आप बैकग्राउंड जो हमारा बैकग्राउंड कलर है अगर वही रखना चाहते हैं तो वही कलर रख सकते हैं। आप देखिए इस पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारे बैकग्राउंड के कलर जैसा हो जाएगा ये। और फ्रेंड्स आप अलग से भी कोई भी कलर यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए इस तरह से जो आपको अच्छा लगे आप ऐसे रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स बैकग्राउंड का ही रख देते हैं। इसके बाद आपको सही पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखें यहाँ पे ऑप्शन लगा फॉन्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। और देखें यहाँ पे ऑप्शन लगा, आप कोई भी देखिए इसका फॉन्ट ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपना फॉन्ट पहले से रखे हुए हैं उसे ले लेते हैं यहाँ पे मोबाइल फॉन्ट से। इसके बाद फ्रेंड्स ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखें हमें इसे भी रोटेट कर देना है। अब देखें इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रोटेट का। देखें हमें इसे भी -3 कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स इसे यहाँ पे रख देंगे। इतना हो गया ठीक है। अब इसके बाद देखें हमें दूसरा लिखना है, तो दूसरा लिखने के लिए आपको फिर से ए पे क्लिक करना है टेस्ट पे। इसके बाद इस पर डबल टैप करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको डन पे क्लिक करना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए
और दोस्तों इसके बाद इसे यहाँ पे रख देंगे। पहले फ्रेंड देखिए यहाँ पे अच्छी भी जा रहा है, इसका पहले कलर हमें चेंज करना है। देखिए आप जैसा भी कलर रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसे यहाँ पे रख दे सकते हैं। तो फ्रेंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलिए इसे ही रख देते हैं यहाँ पे। हमें इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखें पहले इसका हम फॉन्ट चेंज कर देंगे, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने लगा बोल्ड का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखें इसे भी हम माइनस 3 कर देंगे, रोटेड रोटर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से इसे माइनस 3 कर देंगे। देखो हमें इसे माइनस 3 कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इसे ला के सेव कर देंगे। देखो हमारा इतना थंबनेल हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे लॉक कर देंगे दोनों को, ताकि हीरो डोले। इसके बाद देखें आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स प्लस पे क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे। इसके फ्रेंड्स हम एक PNG ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड्स इस PNG का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको इसे ऐसे कर देना है। फ्रेंड देखिए आप जितना इसे खींच के इसे बढ़ा सकते हैं आगे अपने हिसाब से। इसे फ्रेंड देखिए हमें माइनस 3 कर देना है। फ्रेंड देखिए अब यहाँ देखिए हमारा फोटो है, ठीक है। फोटो के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद अब यहाँ पर ऑप्शन लेगा रोटेट का, इस पर क्लिक करेंगे, माइनस 3 इसे भी कर देंगे माइनस 3। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे इसके बाद ला के सेट कर देंगे इसे। देखिए आप ऐसे खींच के इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, फिर इसे खींच के बढ़ा देंगे और। इसके बाद देखें कितना हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे भी लॉक कर देंगे ताकि हिलो डुले ना। देखिए जब भी आपको लिखना हो तो लिखने के लिए आपको ए पे क्लिक करना है। इसके बाद टेस्ट पर क्लिक करेंगे, इसे यहाँ पे लाएंगे। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ला के इसे रख देंगे। अब फ्रेंड्स इसका फॉन्ट हम चेंज कर देंगे, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारा मिल जाए, ठीक है। आप यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं इसे। फ्रेंड्स देखिए बोल्ड वाला काफ़ी अच्छा लगता है, और ये क्या है, चलिए इसे रखते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमें इसी का एक कापी कर लेना है। कापी करने के लिए आपको देखिए पेन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आसमान जगह आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए इसका कापी हो गया डबल। अब इसके बाद देखें जो आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखें सर इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके साइज को थोड़ा हमें बढ़ा देना है कुछ इस तरह। इसका हम कलर चेंज कर देंगे। देखिए अगर कोई आपको कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको प्लस पे क्लिक करना है। आप यहाँ से देख रहे कोई भी कलर खुद से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप खुद से आप एक अच्छा कलर बना सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड देखिए अब यह अच्छा दिख रहा है, इसे यहाँ पे रख देंगे। देख फ्रेंड्स हमें इन्हें भी रोटेट करना होगा। यहाँ पे जाएंगे माइनस 3 कर देंगे। देख फ्रेंड्स कुछ इस तरह होगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे, फिर से रोटेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे भी माइनस 3 कर देंगे। देखिए जैसे माइनस 9, ठीक है। जब आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो एक घटता जाएगा माइनस 3। देखिए यहाँ पर हो गया। इसके बाद यहाँ पे रख देंगे इसे। इसके बाद देखें समय इन दोनों को भी लॉक कर देना है। इसके बाद देखें फिर से देखें यहाँ पे इसे अनलॉक करेंगे, फिर से कापी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसे इसका एक कापी और कर लेंगे। हमें इस पर क्लिक करना है और इसे लॉक कर देंगे। और देखने समय इस पर डबल टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है, तो फिर अब इसका हमें कलर चेंज कर देना है। फ्रेंड्स कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको साइड में स्क्रॉल करना है, यहाँ पे मिल जाएगा वाइट, आपको वाइट रख लेना है। इसके बाद देखने समय इस पर क्लिक करना है
और यहाँ पे ला के रख देंगे इसे कुछ इस प्रकार। देखिए इसका साइज़ थोड़ा कम करेंगे, साइज कम करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जाएगा साइज का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए अपने हिसाब से यहाँ से रख सकते हैं इसे, चलिए इतना ही रख देते हैं। इसके बाद सही पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे भी लॉक कर देंगे। और देखिए यह कोई भी हिलेगा नहीं। इसके बाद देखें अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने समय देखिए हमें एक ड्राइंग करना है। ड्राइंग करने के लिए देखें आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन लगा सेव का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इसे सही पे क्लिक करेंगे, इसके बाद देखें हमें नीचे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन लगा आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखें आपको सिकेंड वाले पे क्लिक करना है और देखें हाथ से ऐसे ड्राइंग करना है इसे, ऐसे देखें इस तरह से एक ड्राइंग करना है इसे। इसके बाद देखें आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, इसके बाद सही पे क्लिक करेंगे, देखें यह एक ड्राइंग हो गया। अब इसके बाद देखें हमें खींच कैसे बनाना है, इस तरह से देखिए आपको खींच कैसे बनाना है इसे। अब देखें ऐसे खींच के बना सकते हैं इसे अपने हिसाब से, आप ऐसे देखें आप ऐसे इसे आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे रखना हो आपको इतना हो गया ठीक है। अब देखिए सही नहीं लग रहा ना है, तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, बस अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन लगा एक, साइड होगा आपको इस पर क्लिक करना है, इसे ऑन कर देना फ्रेंड्स। देखिए अब यह क्लियर दिखने लगेगा, अब देखिए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद सही पे क्लिक करेंगे। अब देखें अगर आपको देखें इसका कलर चेंज करना हो तो आपको इस पर क्लिक करना है, देखें इस कलर काफ़ी ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पे आप इसका कोई भी देखिए कोई भी कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे रख सकते हैं। देखें आप खुद से मतलब कोई भी कलर यहाँ पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए वाइट काफ़ी अच्छा लगता है ठीक है, तो हम वाइट ही कर देते हैं, वाइट देखने में अच्छा लगता है। इसके बाद सही पर क्लिकेंगे, देखिए समय इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, इसे भी लॉक कर देंगे ताकि हिल डूबे ना। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है, यहाँ PNG ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स, इस PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, इस पर क्लिक करना होगा। और देखिए आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब देखिए आप जैसा कलर रखना चाहते हैं आप वैसा रख सकते हैं फ्रेंड्स, गैलरी पर क्लिक करेंगे अपने बैकग्राउंड की तरह इसका भी कलर रख देंगे आप। इसके बाद सही पे क्लिक करेंगे, अब देखिए हाँ फोटो ऐड करना है, फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फोटो ले लेंगे जो हमें ऐड करना हो। इसके बाद सही पे क्लिक करेंगे, देखिए आप यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हैं इसे। पहले फ्रेंड इस PNG को लॉक कर देंगे, यहाँ पे हिल रोल ज़्यादा रहा है। इसके बाद देखें अपने फोटो फ्रेंड ऐसे खींचेंगे नीचे लाएंगे। अब देखिए आप इसका साइज से बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्कर्व करना है, यहाँ पे आपने लगा एक शैडो का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड देखिए आपको जैसा भी शैडो देना हो आप ऐसा दे सकते हैं, अभी देखिए आप इसे कम ज़्यादा अपने हिसाब से सकते हैं। अब फ्रेंड देखिए आप इसे साइड में से स्कर्व कर सकते हैं इसे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें सही पे क्लिक कर देना है, देखें यहाँ इसके बाद यहाँ पे अपने फ़ोटो को भी लॉक कर देंगे आप। इसके बाद देखें इस PNG को हम अनलॉक करेंगे, जो फ्रेंड्स PNG था नीचे इसे अनलॉक करेंगे, यहाँ फ्रेंड्स इसे बीच में रख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसे क्लिक करेंगे फिर से इसे लॉक कर देंगे, देखें इतना हमारा थंबनेल बन गया। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें फिर से फोटो ऐड करना है, तो प्लस पर क्लिकेंगे, गैलरी पर जाएंगे, यहाँ देखिए जो आपको फ़ोटो लगाना हो आप वहाँ से लग सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको ऐसे हाथ से पर किसे थोड़ा छोटा कर लेना है कुछ इस तरह। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे रोटेट पर क्लिक करना है, इसके दोस्तों हम प्लस टेन करेंगे। इसके बाद थोड़ा साइज बढ़ाएंगे इसे, देखिए यहाँ पे ऐसे करना है ठीक है, थोड़ा और छोटा करेंगे,
इस तरह से प्रेस करना है, ठीक है। इसके बाद ऐसे छोड़ देंगे इसे, फिर से पहले प्लस पे क्लिकेंगे, एक सेकेंड समय लेंगे, इसके बाद ओके पे क्लिकेंगे। अब फ्रेंड देखिए, आप इसका भी साइज यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेना है अपने हिसाब से। और देखना यहाँ पे इसे हम रोटेट पर क्लिकेंगे, इसे दोस्तों यहाँ पे माइनस थिंग कर देंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिकेंगे तो यह माइनस होता जाएगा। देख फ्रेंड्स इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसे रख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इन दोनों को लॉक कर देंगे, यहाँ पे क्लिकेंगे, इन दोनों पोस्टर को लॉक कर देंगे। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हमें फिर से प्लस पे क्लिक करना है, गैलरी पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम पिक्सल लैब का एक यहाँ पीएनजी ले रहे हैं, या फ्रेंड्स गूगल पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लाएंगे इसे, इसके साइज को थोड़ा छोटा करेंगे। देख फ्रेंड्स आप यहाँ से इसे इसके साइज को ऐसे छोटा कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसे ला के रख देंगे बीच में, कुछ इस प्रकार हमें रख देना है इसे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ला कर, देखिए हमारा पोस्टर पूरा बन गया। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन लेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन लेगा सेव एज इमेज, आपको फ्रेंड्स इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन लेगा कस्टम का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अल्ट्रा का, आपको अल्ट्रा पे क्लिक करना है। इसके फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन लेगा सेव टू गैलरी, आपको इस पर क्लिक कर देना है, या फ्रेंड्स हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। इस तरह फ्रेंड्स आप भी आसानी से प्रोफेशनल थंब बना सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको भी काफ़ी अच्छा, दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट जय हिंद वंदे मातरम।